खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर, रोहतक में नापतोल खाद्य आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने दुकानों पर छापेमारी की है। टीम को बार बार दुकानदारों के खिलाफ ज्यादा रकम वसूली की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते अधिकारियों ने आज बाजार व मंडी की दुकानों पर शिकायत निवारण के लिए छापेमारी की। खामियां पाए जाने पर 5 से भी ज्यादा दुकानों के चालान किए गए हैं और कई दुकानदारों को हिदायत देकर भी छोड़ा गया है। संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके पर सांपला के डोडोमाल, शांति स्वरूप, कुमार ट्रेडिंग, प्रेम ट्रेडिंग, शांति जनरल स्टोर सहित अनेक दुकानों पर छापेमारी कर चालान किए हैं। आपको बता दें कि सांपला में कई जगह से कालाबाजारी और अधिक रेट पर सामान बेचने की शिकायतें लगातार विभाग को मिल रही थी, जिसके बाद खाद्य आपूर्ति और नापतोल विभाग ने संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की, जिसमें कई दुकानों के चालान भी किए गए हैं। छापेमारी की कार्रवाई से दुकानदारों और व्यापारियों में हड़कंप मच गया था। आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना की महामारी चली हुई है, ऐसे में सरकार का यही प्रयास है कि हर जो ज़रूरी चीज़ है या खाद्य चीज़ है उसको उचित दाम पर ही दुकानदार बेचे और जनता को कालाबाजारी का शिकार ना होना पड़े। लेकिन बार बार शिकायतें इस तरह से मिल रही थी कि अधिक मूल्य पर जो है वो सामान बेचा जा रहा है, जिसके चलते आज सांपला में छापेमारी की गई। छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, मंडी में जो है ये छापेमारी की गई। बनवारी लाल शांति, शांति पंसारी की दुकान, अन्य कई इसी तरह की दुकानें थी जो किराने का सामान और अन्य खाद्य सामान जो है वो बेच रहे थे, जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है। रोहतक से हमारे संवाददाता ने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर की है विकास ओल्यान ने, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें आटा, तेल, चावल, दाल आदि इन सभी वस्तुओं का जो है, खाद्य वस्तुओं का रेट जांचा गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, टीम द्वारा जांच की जा रही है और ये देखिए कई दुकानदारों के ऊपर जो है वो कार्रवाई भी की गई है, इनके चालान भी काटे गए हैं। अगर आपके आसपास भी इस तरह से कोई दुकानदार कालाबाजारी करता है या सामान को अधिक दाम पर बेचता है, तो आप भी संबंधित शहर में संबंधित खाद्य आपूर्ति विभाग और नापतोल विभाग या अन्य किसी प्रशासनिक अधिकारी को शिकायत दे सकते हैं, हमें भी सूचना दे सकते हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। K9 मीडिया के लिए रोहतक से विकास ओल्यान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। छापेमारी की है दुकानों पर, किन किन पे की और क्या क्या खामियां पाई है? हमें एडमिनिस्ट्रेशन से एक शिकायत मिली थी, किसी कंज्यूमर की कंप्लेंट्स थी कि यहाँ पे जो है MRP से ज़्यादा दे रहे हैं या MRP लिखा नहीं हुआ। उन सब चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट और नापतोल विभाग इकट्ठे होकर टीम यहाँ आई है, और उसमें डोडो, मेगा मार्ट, शांति स्वरूप और प्रेम किराना स्टोर और कुमार ट्रेडिंग कंपनी, इनका चालान कर दिया गया है। इनके ऊपर ना तो MRP मिली है, ना कोई डेट ऑफ पैकिंग, जो कि कंज्यूमर के हित में नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए इनको चालान कर दिए है। क्या सर भविष्य में भी इस तरह की अगर कोई बात आती है तो चालान नहीं जारी रहेगा? डेफिनेटली ये तो रूटीन की चेकिंग है और इस तरह की चालान हम करते रहते हैं। सर एक बार आपका नाम और पदनाम? मैं परविंदर सांगवान, नापतोल अधिकारी रोहतक। कदम साहब, जो छापेमारी की है तो क्या खामियां नजर आई है? कमियों में यहाँ पे जैसे इनका जितने भी आइटम हैं, MRP नहीं था किसी पे, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है, ये कमी है। अच्छा, तो मतलब कितने दुकानों पे छापेमारी की है और कितना तक? 5 दुकानों पे चालान किए गए हैं, जो मतलब सांपला बाजार और सांपला मंडी में। किस किस तरह की, कितनी क्वांटिटी है, क्या क्या मतलब माल पे क्या खामियां थी और क्या कुछ? जैसे दाल है, चावल है, चावल की पैकिंग है, चीनी की पैकिंग है, उन पे उनकी प्रिंटिंग नहीं मिली। अगर भविष्य में ऐसी शिकायत आती रही तो क्या आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल।